बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। मुद्दे क्या है आपके हिसाब से रायबरेली के लिए? मुद्दा यही रहेगा कि राहुल गांधी को जिताना है। रायबरेली से हट के अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज नीचे ही जा रहा है। अगले 5 साल हम बीजेपी को क्यों नहीं दे सकते? NTPC ले लो, रेल कोच ले लो, तुम रायबरेली के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ खड़े हो ये भी इन्हीं की देन है। लॉयल्टी भी ऐसी है ना कि खा रहे हैं बीजेपी का, पहन रहे हैं बीजेपी का, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को। 70 साल से चीजें क्यों नहीं बनी? नहर खुदवाया कांग्रेस ने, उससे अनाज उगा, क्या 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 नहीं करा, नहर खुदवा के उसकी मिट्टी गायब कर दी। कहां गायब कर दी? इंदिरा गांधी के टाइम में ब्लैक डे हो गया। दिनेश प्रताप सिंह की ये बात कर रहे हैं, उनके ये सड़क बनवा दी, वो कहां से आए हैं? हिंदू तो है, गंगा जल को बीच में ला रहे हैं। हिंदू मेरे भाई, सुनो, गाओ नहीं हो, गाय की बात कर रहे, तो मैं भी ठाकुर ब्राह्मण, तुम बात कर रहे हो, कीचड़ में भी कमल खिला ले जाए, कोशिश पूरी करेंगे। हम इस वक्त रायबरेली के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और जैसा कि कैमरे में आप पीछे देख पा रहे होंगे, इस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राएं हमारे साथ जुटे हुए हैं। तो रायबरेली अपने आप में एक हॉट सीट है, सबकी नज़र रहती है इस सीट पर, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों की बल्कि पूरे देश की नज़र रहती है। हमने गाँव में जाकर बुज़ुर्गों से और शहर में लोगों से, आम लोगों से बात की, हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना नौजवानों से बात की जाए रायबरेली के, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं इलेक्शंस को लेकर। इसमें कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। कौन कौन फर्स्ट टाइम वोटर हैं यहाँ पर? देख रहे, ढेर सारी तादाद है जो पहली बार वोट डालने वाले हैं रायबरेली के लिए। तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। और इलेक्शन से ज़्यादा, क्योंकि देश का इलेक्शन है, राष्ट्र का इलेक्शन है, तो देश के बारे में क्या सोचते हैं, जो पिछले साल, पिछले 5 साल से 10 साल से सरकारें हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, यूथ क्या सोचता है, वो समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई नेता टाइप है यहाँ पर जिससे शुरुआत की जाए? ये सब नेता हैं, क्योंकि रायबरेली हमने सुना ये सब कोई नेता होता है। पहले लड़कियों से बात करते हैं, लड़कों से बाद में करेंगे। तो रायबरेली से कौन कौन है यहाँ पर आप लोगों में? रायबरेली से कौन कौन है पहले बताइए। अरे हाथ उठा दो, नहीं सब बाहर गए आप लोग, आप यहाँ आ गए। कह रही मैं अकेली रायबरेली, सबसे पहले मेरा नंबर आ गया। क्या नाम है आपका? प्रगति चौधरी। प्रगति, किस ईयर में है, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड आई एम राइट नाउ स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस, तो ये कैसे तय किया कि इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस लेना है? घर वालों की चॉइस थी या खुद के मन से? नहीं नहीं, ये मेरी चॉइस थी एंड बेसिकली मुझे एक स्टेबल बैकअप चाहिए था, तो आई थिंक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज अ गुड चॉइस टू हैव अ गुड बैकअप। अच्छा, इसने गाइड किया था इसके लिए कि खुद से? मेरे ब्रदर भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से एक अच्छी जॉब, एक अच्छे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में, तो ही गाइडेड मी कि चूज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इट्स अ गुड फील्ड टू परस्यू। जैसे कि आपको पहली बार वोट डालेंगी कि पहले डाला है? नो, मैं डाल चुकी हूं। डाल चुकी हूं आप? दूसरी बार वोट डालोगी? ओके। क्या इस बार इलेक्शन कौन से होने पता है आपको? 5 years वाले इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन। सही बोल रहे, कॉन्फिडेंट बोल। क्या लड़कियां पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं रहती? नहीं, ध्यान नहीं देती क्या उन कौन से इलेक्शन चल रहा है, वोट डालना है तो कौन से लोग लड़ रहे हैं चुनाव, इसकी जानकारी नहीं रखती आप लोग? रखती हैं? बेसिकली नॉट लाइक दैट, बट इट्स अबाउट कि अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो जस्ट ग्रैब इट, और पॉइंट ऑफ टाइम में तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ना, तो इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन से नहीं, मतलब पता नहीं है, बट ऐसे मिल जाती है तो फिर। अच्छा, वोट जब डालती हो आप लोग तो अपनी इच्छा से डालती हो, अपने मन से डालती हो या घर वाले बता देते हैं? नहीं, अपनी इच्छा से। इस बार क्या मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से रायबरेली के लिए? फॉर श्योर द डेवलपमेंट ऑफ रायबरेली इज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, सो आई फील just every person has a right to vote and it's on her choice and on my choice. I think the person who has been really jo dedicated hai to Raebareli, he should be the one on the first place, so I think main usi ko vote karungi that really been dedicated towards this place. So aur aapko lagta hai jo aapke hisab se zyada dhyan de payega रायबरेली पर उसको आप चुनेंगे? ऑन द डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक रायबरेली की रोड्स प्लेसेस वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लाइक इट्स बीन कॉल्ड, थोड़े दिन पहले बोला गया था, लाइक फ्रॉम द ईयर्स इट्स बीन कॉल्ड इट इज़ अ स्मार्ट सिटी, बट वो हुआ नहीं कुछ डेवलपमेंट, आई फील लाइक। तो स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, मगर वैसा काम दिखता नहीं है? नो। ओके,
द रोड्स द डेवलपमेंट्स लाइक वो दिखता नहीं है बट सब बोलते हैं सो आई फील अच्छा रायबरेली की अगर आप लोगों से आप लोग बाहर निकलती हैं कैसा लगता है बाहर निकल कर आपके शहर से सर लखनऊ लखनऊ से हैं राजधानी से हैं आपको yes. तो कैसा लगता है रायबरेली सर जस्ट बिकॉज यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे रहने का मन करता है अदर देन दैट यहाँ पे रहने का भी मन नहीं करता है अच्छा सर बिकॉज बहुत जेन्युइन सी बात है ना यहाँ पे ऐसी कोई भी टूरिस्ट प्लेस है जो है भी वो भी अब घूमने लायक नहीं बची हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेवलपमेंट इज़ अनदर थिंग बट करेंटली वी आर स्टडिंग इन अ कॉलेज नेम्ड फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज आई बिलीव यहाँ पे डेवलपमेंट इन इन प्लेस ऑफ रायबरेली से हट के अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज नीचे ही जा रहा है आई डोंट बिलीव मैं अभी करंटली फाइनल ईयर में हूँ सो आई एम नॉट व्यूइंग एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन आर कॉलेज इट्सेल्फ देर आर नो गुड कंपनीज देर आर आई डोंट थिंक सो इवन स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू कॉलेज देर इज़ नो सीरियसनेस इन दिस कॉलेज आई बिलीव सो आई जेन्युइनली रिग्रेट कमिंग टू दिस कॉलेज अच्छा यस क्या कमियाँ लगती हैं क्या होना चाहिए Most importantly, companies. If there are companies in final year, I believe everyone will be attracted towards the college. There are zero companies in this college. I am just fetching towards going offline and giving walk-in interviews. In when I am already in a college, in such a prestigious college. When I came to this college, I came from AKTU counseling. Everyone told me this is a really nice prestigious college. You must go to this college. And I believe अभी भी जो हमारे first year juniors हैं और आगे भी जो बच्चे आने वाले उनको भी हमारे पास्ट में जो सीनियर्स ने अचीव किया है उसी के बेसिस पे उनको बुलाया जा रहा है हमारे एक सीनियर थे वो भी IAS में आए हैं हमारी सीनियर थी वो DRDO में आए हैं और एयरफोर्स में गई हैं हमारी सीनियर मैं तो उनको पर्सनली जानती भी हूँ हमसे 4 ईयर सीनियर थी बट हमारे बैच के बाद से कोई कंपनी इस कॉलेज में नहीं आती सर बड़ी कंपनियों की तो छोड़ देते हैं हम 2-3 लाख के पैकेजेस सर आई डोंट बिलीव हमने इतना कुछ इनपुट किया है हमारी 4 साल की मेहनत है हमारे पेरेंट्स ने इतना हार्ड अर्न मनी हम पे इन्वेस्ट किया है ताकि हम एटलीस्ट 4 ईयर्स के बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ एक जॉब के साथ बाहर निकलें देर इज़ नो जॉब हमारे सीनियर जो अभी हमसे 3rd ईयर से हमसे पहले गए हैं सर उनके पास भी कोई ऐसे हार्ड अर्न मनी अभी नहीं है सब बहुत अनस्टेबल कंडीशन में सो आई बिलीव सर रायबरेली का प्रोग्रेस तभी स्टार्ट होगा जब इस कॉलेज का प्रोग्रेस स्टार्ट होगा क्योंकि ये कॉलेज रायबरेली का एक बहुत बड़ा पार्ट है बहुत बड़ा पार्ट है जिस दिन ये कॉलेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन ये कॉलेज आगे बढ़ जाएगा मुझे जेन्युइनली लगता है कि रायबरेली में ऑटोमेटिकली जब यूथ आना स्टार्ट होगा क्योंकि इस कॉलेज में यूथ आएगा जहाँ पर यूथ आएगा वहाँ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा सो ये क्योंकि सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज सब लोग ही इस वक्त मेन एजेंडा आप भी देखिए एक यूथ को एड्रेस करने आए हैं बिकॉज यूथ इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी राइट नाउ सो यस मैं यूथ को सुनने आया हूँ कि क्या सोचते हैं आप लोग इलेक्शंस के बारे में है ना वोटिंग के बारे में आप लोग और कौन कहाँ से हैं क्या नाम है आपका आयुषी आयुषी कहाँ से हैं आप रायबरेली से हैं क्या मुद्दे रहने वाले इस बार इलेक्शन से इस बार इलेक्शंस में मुद्दा यही रहेगा कि राहुल गांधी को जिताना है क्योंकि वो काफ़ी कुछ करते हैं यहाँ के लिए अच्छा। और कॉलेज भी उन्हीं का है तो वो जब यहाँ आएंगे तो कॉलेज के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएंगे अच्छा सोनिया आपको पता है कि फिलहाल कौन से यहाँ सांसद कौन है यहाँ पर सोनिया गांधी है शायद अच्छा तो उनके बारे में जानती हैं आप नहीं इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं अच्छा पर थोड़ा बहुत जानते हैं अच्छा जैसे डेवलपमेंट वगैरह होता है जो दावे होते हैं उसको आप एनालाइज करते हैं क्या एज ए वोटर कि जो दावे थे वो क्या वो पूरे हुए या एक सांसद का क्या काम होता है क्या उन्होंने काम किए हमारे बारे में सवाल उठाए लोकसभा में इसको एनालाइज करते हैं आप कुछ पूरे भी होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं किसी चीज़ को लेके कुछ रुक जाते हैं रास्ते में रह जाते हैं पूरे होने से और कुछ हो भी जाते हैं तो आप कह रही हैं कि काम कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं पर आप लोग जब वोट देने जाती हैं तो क्या ख्याल रहता है मन में सर मैंने अभी तक वोट नहीं दिया है नहीं दिया है फर्स्ट टाइम देंगे इस बार सर इस बार भी नहीं देंगे तो वोटर कार्ड नहीं बना नो सर वोटर कार्ड नहीं बना बताइए किस आपने ट्राई किया घर में शिकायत की घर में बोला कि भाई वोटर कार्ड बनवाइए हमारा नहीं मेरी अभी एज नहीं हुई है वोटर कार्ड की अब 18 प्लस नहीं हुई है अभी नो फर्स्ट ईयर आपका यस ओके थोड़ा लड़कों से बात कर लेते हैं रायबरेली वाले लड़के इंतजार कर रहे हैं कौन है पहले रायबरेली कौन कौन लोकल लोगों से पहले बात करेंगे आप हैं क्या नाम है आपका अभिनव तिवारी अभिनव किस क्लास में हैं किस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर सी एस ईयर में अच्छा रायबरेली में कहाँ रहते हो गंगागंज रायबरेली से नियर बाई 4 किलोमीटर
जैसे कि वोट पहली बार डालोगे कि डाल चुके हो? सर फर्स्ट टाइम वोट। फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या मुद्दे रहने वाले रायबरेली को, कैसे देखते हो काम को यहाँ के? सर रायबरेली सर कांग्रेस का गढ़ रही है और इसने कांग्रेस ने यहाँ पे विकास भी किया है, बट जैसा कि मतलब इस जो कांग्रेस का विकास रहा है अभी तक वो मतलब बड़े लेवल पे रहा है, जैसे रेल कोच ले लीजिए, चाहे NTPC ले लीजिए, चाहे ये इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, चाहे निफ्ट ले लीजिए और चाहे एम्स ले लीजिए, बट जो लोकल रायबरेली, क्योंकि ये तो एक बड़ी चीज़ें हैं, बट हमारी जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं या मान लीजिए जो रायबरेली की गरीब जनता है या रायबरेली में रहने वाले जो नागरिक हैं उन्हें चाहिए रोड, सबसे पहले रोड, क्योंकि वो एम्स तक तब जाएंगे जब रोड सही होगी, बट यहाँ पर रोड का मुद्दा, क्योंकि जब कांग्रेस में इसके पहले सोनिया गांधी जी सांसद थी तो उनके तो 5 साल में अब उन्होंने तो अब आई नहीं यहाँ पे, बट उनके द्वारा यहाँ पे रोडें निर्माण कराई जाती तो ये भी एक मुद्दा होता, तो मतलब यहाँ पे लोकल विकास कम है और ऐसे बड़ी अचीवमेंट तो कांग्रेस ने यहाँ दिया है अच्छी, तो यही है रायबरेली का। इसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस चीज़ के लिए? इसके लिए सर एक तो स्वयं सांसद जी हैं, क्योंकि उनको खुद ही, क्योंकि उनको यहाँ तक सांसद बना के भेजा गया तो उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि ये इनकी जब पार्लियामेंट्री सीट है तो इनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। बाई चांस वो इस समय बता रही थी कि वो 5 साल से बीमार थी तो इसके वजह से उनको यहाँ पर किसी मतलब जैसे सांसद प्रतिनिधि को बनाना चाहिए था, जैसे KL शर्मा सर थे, तो वैसे तो उन मतलब उन लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया रायबरेली का, जिसकी वजह से रायबरेली लोकल स्तर पर उसका विकास नहीं हो पाया, जैसे रोड, जैसे पानी, जैसे बिजली की समस्या रायबरेली में बहुत ऊपर लेवल पे है, और बाकी बड़े लेवल पे तो है विकास, ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने किया है अपने समय से काफ़ी किया है, और बाकी राहुल गांधी जी इस बार हैं तो चांसेस उन्हीं के हैं ज़्यादा। क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी के बारे में? तो राहुल गांधी सर विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं तो उनको जिताना मतलब एक लोकतंत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही नहीं रहेगा लोग वहाँ पे मतलब संसद में, तो उसका भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी जो पुराने लोग हैं उनकी तो कांग्रेस रही ही है। ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, रायबरेली के जो भी आप लोग नौजवान छात्र हों उनसे मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि जैसे कि कांग्रेस हमने देखा कि लंबे समय से यहाँ जीतती आ रही है, 96-98 छोड़ दिए और एक जो ऐतिहासिक चुनाव 77 का उसकी जानकारी है आप लोग, जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, राजनारायण ने चुनाव हराया था उनको, एक वो चुनाव, 3 चुनाव है, बाकी सारे चुनाव में कांग्रेस ही यहाँ पर जीतती आई है। तो जैसे कि आप लोग के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या पिता हैं या दादा हैं या उनसे पूर्व लोग हैं वो लोग कांग्रेस को वोट देते आए थे, नौजवान क्या सोचते हैं कांग्रेस को लेकर, है ना, या आप जो 10 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार उसको लेकर, या जो यहाँ दावेदारी कर रहे हैं BJP के दिनेश प्रताप सिंह उनको लेकर? सर इसमें क्या है कि सर पहले तो बुजुर्ग लोग तो कांग्रेस को मानते ही हैं, बट यूथ का क्या है कि 10 साल में मोदी जी की तरफ थोड़ा झुकाव हुआ था, पर जिस हिसाब से पेपर लीक का मामला हो, चाहे कि मतलब जैसे युवाओं के लिए रोजगार का ना निकलना हो, या फिर जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंजीनियरिंग में ना इतना कॉरपोरेट का बढ़ना हो, इस वजह से यूथ थोड़ा सा BJP से हल्का सा उतना मतलब खुश नहीं है, बट रायबरेली को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि रायबरेली में तो कांग्रेस ही बनेगी सर। चलिए, और कौन है रायबरेली? आप हैं भाई, क्या नाम है? प्रखर। क्लास में अभी तो सेकंड ईयर में CS। सेकंड ईयर अभी तक खुश क्यों मगर तुम? खुश नहीं है अभी। क्या चल रहा है चुनाव में, इलेक्शंस को लेकर क्या मुद्दे होने वाले हैं? वोट दिया है कभी कि पहली बार दोगे? फर्स्ट टाइम है अभी। फर्स्ट टाइम तो क्या चल रहा है? और मेन जो मेरे मोटिव रहेंगे वो तो पहले तो नेशनलिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट रहेगा। एम्प्लॉयमेंट एक नेगेटिव पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, और नेगेटिव पॉइंट है BJP सरकार का अनएम्प्लॉयमेंट है। इससे पहले जो 2 पॉइंट बोले आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नेशनलिज्म, ये आप प्लस पॉइंट मानते हैं BJP का? यस। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं? मेरे पर्सनल मुद्दे यही एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उतनी एम्प्लॉयमेंट अभी आ नहीं रही, और मैं CS का स्टूडेंट हूँ तो IT सेक्टर में भी अभी समझ लीजिए इन्फोसिस ने कैंपस हायरिंग बंद कर दी है, और मतलब मास रिक्रूटर जिन्हें कहते हैं ना इन्फोसिस को, उन्होंने कैंपस हायरिंग बंद कर दी, तो फिर अब प्रॉब्लम तो होगी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। बोला आप नौजवानों के बीच एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक दिमाग में एक टेंशन रहती है कि पढ़ाई कर रहे हैं कल को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी टेंशन तो यही है। और रायबरेली को कैसे एनालाइज करते हैं? ये रहने वाले यहीं के हैं ना, तो यहाँ विकास, यहाँ का काम, यहाँ के जो सांसद हैं सोनिया गांधी उनका काम? मैं कहूँगा कि जब भी सांसद को इलेक्ट करते हैं ना, उन्हें एक ऑफर मतलब एक जॉब दिया जाता है कि आप हमारे बदले में काम करिए, लेकिन क्या करें, मतलब जब भी हम सांसद को इलेक्ट करते हैं वो साल में मतलब 5 साल में 1-2 बार आते हैं, तो ऐसे काम कैसे होगा? मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपने किसी को काम पे रखा है, वो बंदा एक दिन काम करे और बोले कि 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसे काम पे रखेंगे? तो मतलब यही प्रॉब्लम है कि आपको मतलब हर दिन आना पड़ेगा ना। स्मृति ईरानी जी ने तो अपना परमानेंट वहाँ पे घर भी बना लिया मेरे ख्याल से, अमेठी में। तो मतलब रायबरेली वाले मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो रायबरेली की तो खबर रखते ही हैं, बगल में अमेठी में क्या हो रहा है उसकी भी पूरी खबर रहती है। मतलब हिस्टोरिक थी ना वो भी, तो यही यही मेन चीज़ है।
मतलब आपकी शिकायत ये है कि टाइम स्पेंड नहीं करती, हाँ, कि क्षेत्र में नहीं रहती हैं, हाँ। उनसे मुलाकात मिलना मुश्किल है, हाँ। ये एक दिक्कत आती है। क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। आदित्य सर, मैं सीसी सेकंड ईयर में बीटेक कर रहा हूँ। सर बीटेक कर रहा हूँ जी। किसी ने बताया था बीटेक के बाद उसको? नहीं नहीं, मन था पहले से कि कंप्यूटर साइंस लेंगे तो ले लिए, यहाँ आए तो जब काउंसलिंग में भरे रायबरेली तो मुझे लगा बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं। जौनपुर से हैं सर हम। जौनपुर से हो यार, तुम्हारी बहुत चर्चा सीट की, तुम्हारी भी तो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो? बिल्कुल सर, बचपन से इंटरेस्ट था इसमें। बचपन से था? बिल्कुल बिल्कुल सर। जौनपुर वालों में है थोड़ा सा, लोगों को बचपन से इंटरेस्ट रहता है। पूरे पूर्वांचल में लोग रखते हैं राजनीति में। ये देखो दायरा बड़ा कर दिया एकदम भाई ने, कि हमको जौनपुर तक सीमित मत करिए, हम पूरे पूर्वांचल के हैं। जी जी, क्या चल रहा है इलेक्शन में, क्या मुद्दे होने वाले हैं हमारे लिए? तो सर प्लेसमेंट, मैं चाहूँगा कॉलेज में सर प्लेसमेंट बढ़े, और सिर्फ यही नहीं सर, हर जगह प्लेसमेंट में गिरावट आ रही है। और चाहेंगे सर, जैसे किसी को बिजनेस वगैरह भी करना हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के लिए मुद्दा होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट के लिए मुद्दा नहीं, मतलब किसी भी कोई भी पार्टी के लिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग तो, क्योंकि अगर सीएस के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि सरकार जो दावे हैं उनके, तो उसमें एक वो स्टार्टअप को लेकर कहते हैं कि स्टार्टअप को लेकर माहौल बेहतर हुआ है, है ना? आप लोग को लगता है ऐसा कि स्टार्टअप को लेकर माहौल बेहतर हुआ है, या कल को आप लोग क्या ऐसा कुछ सोचते हैं कि जॉब नहीं कुछ स्टार्टअप करेंगे, हाँ। या उसके विषय में सोचते हैं आप लोग? देखिए मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो इंक्रीज़ हुई है इंडिया की रैंक, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पर मतलब स्कूल के दिनों में सिखा देना चाहिए बच्चों को, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर सिखाएंगे तभी तो बच्चा कर पाएगा, अदरवाइज़ अगर मुझे पर्सनली करना है ना, तो अगर पर्सनली मुझे पहले कहीं जॉब करनी होगी ताकि वो सब सीख सकूं, किसी स्टार्टअप में अगर नौकरी करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और ऐसी बाकी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना, उसके बाद मैं कर पाऊंगा। अगर ये चीज़ें स्कूल में ही सिखाई जाएँ तो फिर सब जल्दी हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रेनिंग का दौर है, जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना ये सब चीज़ें कोर्स में ही शामिल की जाएँ, या इस दौरान ही आप लोग की ट्रेनिंग उस तरीके से हो कि आप लोग सिर्फ जॉब की तरफ ना देखें बल्कि खुद का कुछ करने को सोचें इस बारे में भी? मतलब महीने डेढ़ महीने का ऐसे एक प्रोग्राम चलना चाहिए ना, जिसमें ट्रेनिंग दीजिए, बाकी अब जो भी एकेडमिक्स चल रही है उसके साथ चलती रहे, एक दो महीने का गैप दीजिए, उसमें हम लोग को ट्रेनिंग वगैरह हो। कॉलेज में भी ऐसा मतलब नहीं होता, तो स्कूल लेवल पर बात ही छोड़ दीजिए, कॉलेज लेवल पे भी इतना फैसिलिटी नहीं है। ये बहुत ही जायज़ आप लोग की डिमांड। तो रायबरेली के कौन कौन लोग, पहले वो लोग आ गए, मैं थोड़ा सा रायबरेली के बारे में समझना है ना, उसके बाद मैं और बच्चों से और उनके मुद्दे बात करूंगा। आप हैं यार, तुम ड्रेस नहीं पहने हो आज, ड्रेस गंदी हो गई थी तो अलाउ कर देते हैं इसे एक दिन की तो बात। आपको लगा तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है, टॉफी लेके आए हो, बांटोगे? क्या मुद्दे हैं, क्या नाम है आपका? विश्वास नाम है, सी एस सेकेंड ईयर का। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार इलेक्शन पे? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता है रायबरेली में। एक महीने से पुल बन रहा था आज तक, अब इलेक्शन आया तो दो दिन में बन गया। एक मजदूर काम करता था उस पुल पे, काम दो दिन से पूरी टीम लग गई। सेम चीज़, बजट बना था 59 लाख का, 59 लाख, और आया कितना होगा? 10 लाख। वो पुल बनाने में 59 लाख तक नहीं बना होगा, ये रोड बनाने में 59। बोले 15 दिन के अंदर बन जाएगा, एक महीने, मतलब बोले कि 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे पुल का निर्माण, बट वो एक महीने से ऊपर हो गया, अभी वो नहीं पाया। अच्छा, वो चल ही रहा है उसका निर्माण धीरे धीरे। कौन करा रहा है ये? तो अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, तो ये पुल तो मतलब सांसद जी के उसमें हुआ था, तो उन्हीं द्वारा हो रहा होगा, ये तो नहीं पता किसके द्वारा हो रहा है, बट ये है कि एक महीने से ऊपर समय हो गया अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो नज़र रखते हैं आप लोग इन चीज़ों पे कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। क्या नाम है आप? सर इंसुमान अवस्थी, सर सेकंड ईयर सी एस सी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं सर? सर देखिए, सबसे पहले तो रायबरेली का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर यहाँ पे डेवलपमेंट पिछले कई सालों से आप देखिए तो मोदी सरकार आने से हुआ तो है सर, काफ़ी रोडें बनी हैं, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन अगर रायबरेली का पढ़ाई के मामले में डेवलपमेंट देखा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट लेवल गिरता गया, लेकिन इसको किसी ने जो यहाँ के जो सांसद वगैरह भी थे उन्होंने कभी इंस्टीट्यूट के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हम लोग यहाँ के यूथ को भी आगे बढ़ने की, मतलब यहाँ के यूथों ने सोचा कि बाहर निकल के हम लोग अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रह करके अगर देखा जाए तो इसका कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर रह करके भी अच्छी हम लोगों को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया गया है, तो इस इंस्टीट्यूट पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर यहाँ का यूथ कम से कम यहाँ पर रहे, बाहर का अट्रैक्ट हो बात अलग, लेकिन यहाँ का तो कम से कम अपना स्टेबल रहे, लेकिन यहाँ के बच्चे भी बाहर जाने की सोचते, कोई यहाँ पे रहकर पढ़ना नहीं चाहता। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर यहाँ पे स्टडी में, मतलब हम लोग की पढ़ाई के एकेडमिक्स के ऊपर कुछ अगर कोई ध्यान देता है, जो सरकार भी ध्यान देती है, वो हमारे लिए बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि सर हम लोग को ही आगे देखना है अगर, तो कम से कम एक बेस तो मजबूत होना चाहिए ना। अब पढ़ाई अच्छी नहीं होती सर? अच्छी होती है, लेकिन सर फैसिलिटी जो वहाँ हम लोग को अवेलेबल हैं, बाहर लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, लेकिन
बैंगलोर हो गया, लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हम लोग को नहीं मिल पा रही हैं। ये हम ये नहीं कह रहे कि कॉलेज का ये डिसएडवांटेज है, ये है सर पूरा इस हर चीज़ एक से कनेक्टेड है ना सर, कि अगर सरकार ध्यान देगी तो इंस्टीट्यूट भी काम करेंगे और उसी हिसाब से ग्रोथ होगी सर, जब वो ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे जाकर भी नहीं हो सकता। ये सर मैं ऐसे तो हूँ तो बीजेपी का सपोर्टर, अच्छा, लेकिन इस चीज़ के मामले में ये बीजेपी का सपोर्टर क्यों है सर? क्योंकि मैंने देखा ना, अगर ये केवल रायबरेली की बात न की जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, तो डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने काम किया है, इकोनॉमी हम लोग की अच्छी हुई है और काफ़ी चीज़ें देखी है हम लोग का, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हम लोग की इमेज काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की हम लोगों ने, इस मामले में मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। वर्ल्ड वाइड इमेज अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई सर इस मामले में, तो आप जहाँ पे हम लोग का जाने में भी हम लोग को डर लगता था, आज वहाँ पे भी भारत का यूथ जा करके कह सकता है कि हाँ हम लोग इंडिया से आते हैं। पहले डर लगता था। आप देखिए रशिया में जब ये वॉर चल रहा था यूक्रेन और रशिया का, तो वहाँ पे भी जब वॉर से जब इंडिया के लोगों को बाहर निकालना था, सिर्फ फ्लैग दिखा करके उन लोगों ने आराम से आने दिया था, जो कि पहले अगर देखा था तो पॉसिबल नहीं था पहले की सरकार में। डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ग्रोथ किया है इस सरकार में रह करके। आप लोग रायबरेली के हैं? अमेठी से। क्या चल रहा है अमेठी में? अमेठी पे तो कांग्रेस चल रही है इस बार। कांग्रेस चल रही है, पंडित के एल पी शर्मा जी चल रहे हैं इस बार। अच्छा, और उनका काम कैसा रहा? स्मृति ईरानी का, स्मृति ईरानी ने एक आध पुल बनवा दिए तो उससे तो कुछ होता नहीं, 13 रुपए किलो चीनी देने वाली थी और बहुत सारे मुद्दे थे उनके, लेकिन वो कर नहीं पाई जो उनको करना था अच्छे से। क्या अपेक्षाएं थी आप लोगों की उनसे? उनसे हमारी अपेक्षाएं थी कोई इंस्टीट्यूट खोले हमारे यहाँ या कुछ डेवलपमेंट करे कि वहाँ के बच्चे वहीं पे नौकरी पा जाएं, वहाँ पे नौकरी नहीं मिल पाई, जो लगती थी भी जिनको नौकरी मिलती भी 10,000-5,000 की कंपनी आती थी, उससे आज इतनी महंगाई है किसका चलता है। महंगाई आप कह रहे हैं? हाँ यस सर। अच्छा, हम भी भाजपा के सपोर्टर हैं वहाँ से, लेकिन हम चाहते क्या विचार क्यों बदले? विधानसभा में भाजपा को ही वोट दिए हैं। अच्छा। और भाजपा के ही सपोर्टर थे, उन्हीं की गाड़ी से प्रचार करते थे पूरा, लेकिन हम चाहते हैं मोदी बने वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्मृति ईरानी न रहे हैं, जहाँ से आई हैं वो गुजरात से वहीं लौट जाएं। गुजरात से? अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी रहें पर यहाँ पर अमेठी में स्मृति ईरानी ना रहें, पर यही सांसद लोग तो चुनते हैं मिलके प्रधानमंत्री। एकाध जैसे कहा जाता है कि एकाध मछली जो है तालाब को गंदा कर देती, तो वो मछली है कि वो तालाब को गंदा कर देंगे। अगर वो भी ध्यान दे, वो अपने मुद्दे पर अगर ध्यान दे तो वो रहे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। सर यही कहूँ, आदि सिंह चौहान नाम है, और रायबरेली की बात हम लोग कर रहे हैं और अमेठी की बात कर रहे हैं, जैसे 70 साल नियर अबाउट 70 साल हमने दिए कांग्रेस को यहाँ पर, और डेवलपमेंट देख लिया यहाँ क्या हुआ है। FGIT के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो भी है जैसा उन्होंने बनवाया, बट इसको बहुत अच्छे वे में रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता था। 70 साल दिए तो अगले 5 साल हम बीजेपी को क्यों नहीं दे सकते, और क्या खराबी इस गवर्नमेंट में? मुझे नहीं समझ में आता लोगों को क्या दिक्कत है। मेरे को बहुत देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे राम मंदिर की या हिंदुत्व की, तो लोग बोलते हैं कि यही बीजेपी के पास यही एक पॉलिटिकल एजेंडा है, बट इसमें क्या खराबी है? मैं तो बोलूँगा ये एजेंडा बहुत सही, क्योंकि जब सपा की सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी, तो भी एक पर्टिकुलर जो हमारे टाइप ऑफ लोग हैं उनको बहुत प्रेफरेंस मिला था, तो इस गवर्नमेंट भी जो मिल रहा है वो चीज़ें सही हैं। दूसरी चीज़, हमारे फॉरेन अफेयर्स कितने अच्छे हो गए, जहां हमें कोई पूछता तक नहीं था, आज हमें साथ बैठना, यूएनओ में हमारी सीट है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद अभी परमानेंट सीट होनी है। हाँ, मतलब हो ही जाएगी, उसमें क्या सरकार तो हो ही जाएगी, और क्या। और देखते रहिए आप चीज़ें हम लोग के वे में जितनी अच्छी हो रही हैं, क्या खराब हो रहा है। इंसान हम लोग कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, अच्छी बात, एक तरह से लोग सेल्फ इतने कैपेबल हो रहे हैं कि चीज़ों को जनरेट कर पा रहे हैं, डिपेंड नहीं हो रहे हैं दूसरे पर। कब तक हम लोगों पर डिपेंड करेंगे? 70 साल कांग्रेस को दिए, तो अभी सरकार को भी देना चाहिए, और बहुत डिजर्विंग सरकार है मेरे हिसाब से। सर देखते क्यों नहीं है आप लोग मौका? ये जानना है, बिल्कुल दे रहा हूँ सर, होता है ना, लोग कहते हैं कि पिछली बार इतनी वेव थी बीजेपी की 14 में थी, पर रायबरेली नहीं जीत पाते सर। यहाँ पर है ना कुछ लोग, जानना चाहता हूँ कारण क्या है कुछ लोग सर। अब सदर में आप जाइए, वहाँ पर बहुत कम्युनिटीज हैं, और कुछ और भी गठबंधन हो गए, तो उसमें लोग डिवाइड, अपने इंडिया में सबसे बड़ी बात है सर, लोग कास्ट के बिहाफ पे डिवाइड हो जाते हैं और फिर 500 रुपए दे के वोट दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं। अपना ब्रेन लगा के चीज़ों को सोचना चाहिए, कैसे कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है क्या नहीं अच्छी। अरे जब आप 70 साल एक साल एक इंसान को दे रहे हैं, एक इंसान को क्या, एक फैमिली को दे रहे हैं, तो आप एक दूसरी भी पार्टी को चांस दीजिए। अब राजस्थान होता है, वहाँ पर बेसिकली आप खुद देखते होंगे हर साल पे, मतलब 5 साल पे सरकार चेंज होती रहती है, और इसी वजह से वो चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रही। या तो ये कर लें हम कि इंटरचेंज करते रहे एक साल पे, या तो जब 70 साल उन्हें दिए तो आप कुछ साल इन्हें भी दीजिए।
और आप क्या कह रहे थे, क्या कारण है हमारे? कारण यही कि काफी लोग अभी भी लॉयल हैं। अच्छा, और यही देखिए, जैसे कि अगर मैंने पहले बताया ना कि कोई एम्प्लॉय का अगर काम ना करे तो उसे निकाल देते हैं, लेकिन हम लोग पता है ये सोच रहे हैं कि वो हमारी फैमिली है, जबकि ये कोई नहीं सोच रहा कि पॉलिटिशियन की कोई फैमिली नहीं होती। जैसे राहुल गांधी पहले अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, तब वो उनकी मतलब पहले जीते आ रहे थे तो उनकी फैमिली थी, फिर हार गए तो फैमिली बदल दी, फिर वायनाड में अभी एक और बार फैमिली शायद बदल सकती है। अच्छा सर, सर तो लॉयल्टी भी ऐसी है ना कि खा रहे हैं बीजेपी का, पहन रहे हैं बीजेपी का, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए, हर घर को टॉयलेट दिया है बीजेपी सरकार ने, हर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहेंगे कि नहीं मुझे राहुल गांधी को। अरे तो गरीबों को मिडिल क्लास वालों को कुछ नहीं मिलता, मिडिल क्लास वालों की सरकार नहीं है ये, खाली गरीबों की सरकार और अमीरों की सरकार, खाली मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता। हम लोग मिडिल क्लास है, हम लोग कोई इशू नहीं हो रहा है, पता नहीं इनको क्या इशू हो रहा है भैया को, पर मिडिल क्लास उन्हीं को घर मिल रहा है, उन्हीं को टॉयलेट मिल रहा है, सच्चाई क्या है? उन्हीं को जो प्रधान से जुड़े हुए हैं उन्हीं को मिल रहा है। आधी आबादी, जैसे एक गांव है 100% आबादी है, 40% आबादी प्रधान से जुड़ी हुई है, 60% नहीं जुड़ी है हुई है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वही 60% वो जो 40% है वो ग्रो कर रहे हैं, उन्हीं के घर में एक कॉलोनी मिल रही है, दो कॉलोनी, तीन कॉलोनी उन्हीं के बेटे हो रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, राशन से ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इन्होंने सब वो बंद कर दी, रिटायरमेंट के बाद जो आती है पेंशन बंद कर दी, लेकिन MLA जो है उनकी तो अभी भी आती है, जो हो सत्ता में चाहे ना हो, तो पेंशन गवर्नमेंट वालों को देनी चाहिए कि ये MLA को जो बंद होनी चाहिए, सबकी बंद शुरू हो जाए, सबकी बंद होनी चाहिए, आर्मी वालों को। ये कुछ कहना सर, जैसे कि यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, या शाश्वत द्विवेदी सेकंड ईयर से सर, SES से सर, यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब बाहर उन्होंने हर चीज़ अच्छा किया है और डेवलप कर रहे BJP, लेकिन सर कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि ना दिखाई जा रही हैं ना, जैसे कि अभी हम लोग का मणिपुर है, वहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है, लेकिन वहाँ करेक्टली 2 साल से कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई कॉलेज नहीं जा पा रहा, वहाँ दंगे कंटिन्यू चल रहे हैं। और सर यही सेम कंडीशन इस समय लद्दाख की, धीरे धीरे जब से उसको जम्मू कश्मीर से अलग किया गया है, धीरे धीरे लद्दाख की वही कंडीशन होती जा रही है सर, लेकिन हमारे जो PM है ना वहाँ पे वो जा रहे हैं ना, उनको बस अपना ये दिखाना है कि उन्होंने जहाँ काम किया बस उसको ही वो एडवर्टाइज कर दे रहे हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों से थोड़ा सा लोकल बारे में बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी एकदम अंतिम समय उन्होंने तय किया कि वो यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उससे पहले तक बड़ा कंफ्यूजन था कौन लड़ेगा, राहुल गांधी लड़ेंगी, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, या कोई बाहर का या इनका कोई लोकल कार्यकर्ता रहेगा, तो इसको लेकर क्या चर्चा थी, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? सर राहुल गांधी सर वो एक तरीके से कह सकते हैं वो यूथ है सर, जैसे यहाँ पे दिनेश प्रताप सिंह 40 साल का आदमी यूथ है भाई, 50 साल का आदमी यूथ है भाई, ऐसे तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी तो यूथ नहीं है, ऐसे तो सर प्राइम मिनिस्टर भी आपके यूथ है। सर मैं ये भी बोलूँगा सर, जैसे रिटायरमेंट की अब एज होती जा रही है 62 और 65, सर इस तरह हम लोग को सर ये PM की और सर ये नेता मंत्रियों की भी तो एज एक सेट करनी चाहिए ना सर। आप मॉडर्नाइज अगर जैसे अब जैसे सर अब ये नेताओं के लिए 75 और जैसे नॉर्मल कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसके लिए 65 और 62 क्यों, ऐसा क्यों सर? यहाँ पे सब ये मांग रहे हैं 70 साल तुम्हारी गवर्नमेंट थी क्यों नहीं की इनकी गवर्नमेंट? अरे कांग्रेस कर रहे हैं तो वही बात ही बोल रहा हूँ, 70 साल से चीजें क्यों नहीं भाई? इस गवर्नमेंट का केवल एक चीज, एक डिसीजन जो उन्होंने बनाया आज तक वो गलत मुझे लगता है, वो अग्निवीर, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। गवर्नमेंट जॉब की जो गई सैलरी जो हमको मिलती थी पेंशन, वो मैं मानता हूँ, बट उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि MLAs की कटनी चाहिए, अरे 70 साल से थे भाई, उनकी क्यों नहीं कटवा पाए बताओ? पहली बात तो मैं किसी वैसे उसका सपोर्ट नहीं कर रहा कि कोई ये करे वो करे, लेकिन मेरा ये कहना है कि सर जो आपने बोला ना कि क्या उन्होंने नहीं किया, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। और सर बात रही यहाँ रायबरेली की, यहाँ पे भी हम लोग को एक बार चेंज करके देखना चाहिए कि BJP को देना भी चाहिए, क्योंकि सर कई बार यहाँ का ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे किसी दूसरे गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है, और वहाँ आप कह रहे हैं क्या ऐसा है कि यहाँ सोनिया गांधी सांसद है इसलिए BJP काम नहीं कराती, ऐसा है क्या? मे भी सर ऐसा तो हम लोग को इसीलिए बोल रहे हैं सर, एक बार चेंज करके देखते हैं कि दोनों जैसे सेंट्रल स्टेट और यहाँ जो BJP बोलती है डबल इंजन सरकार, यस सर वो एक बार करके देखते हैं सर। बिल्कुल करना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ था डबल इंजन सर, हमारे यहाँ तो ठीक बात कर रहे हैं। हाँ सर, जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो राहुल गांधी के विषय में जो बात कर रहे हैं, उनको कहे जीता रहे हैं, उनके बारे में एक बात हम कहना चाहेंगे, मैं बता रहा हूँ कहली अमेठी से भी जीते थे ऐसा है नहीं, उनको एक आशा बैठी है जैसे हमारे यहाँ के बुजुर्गों के, हमारे यहाँ के युवाओं की, कि आज नहीं तो कल वो प्रधानमंत्री बनेंगे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे ही, तो यही यस है, यही मैं यही ये सोच के कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री, क्या जब वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राजीव
ये सब थे तो क्या यहाँ का विकास नहीं हुआ? सारी चीज़ें तब इसी समय आई जब सोनिया गांधी का समय था, उन्होंने इस कॉलेज को किया, डेवलप कराया था। तो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, इसी आस में बैठे हैं कि अच्छा, कि यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब भला होगा। अभी सर, जैसे इन्होंने, सर ये मेरे क्लास पढ़ता, मैं दोस्त हैं, जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 साल से थी कुछ नहीं किया, ऐसा थोड़ी नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। IITs ले लो, IIM ले लो, देश लेवल पर कांग्रेस ने बहुत विकास किया। बट जैसा कि नहीं, रायबरेली में भी बहुत विकास हुए, भी गिनाएंगे बहुत सारे हैं। तुम चाहे ले लो वो वाला, मतलब जैसे तुम NTPC ले लो, रेल कोच ले लो, तुम रायबरेली के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ खड़े हो ये भी इन्हीं की देन है। इसके बाद तुम जो है एम्स ले लो रायबरेली के। बट मैं ये कह रहा हूँ कि रायबरेली में मतलब जो लोकल स्तर का विकास होना चाहिए था, गरीबों तक पहुँचना चाहिए था, पहुँचा, मतलब हाईटेक तो हुआ, मतलब रायबरेली का नाम, जैसे इस समय राहुल गांधी के लड़ने की वजह से पूरे देश में नाम रायबरेली का चल रहा है, हर न्यूज़ चैनल पर रायबरेली एक हॉट सीट बन चुकी है। बट जैसे कि अब जैसे हमें बताया आपसे कि जैसे हमको रायबरेली में सबसे एम्स पहुँचना है, तो एम्स जाने के लिए रोड सही नहीं है, तो ये चीज़ मतलब जो छोटे स्तर पर काम नहीं हो पाया। बाकी ये ऐसा नहीं कह सकते कि रायबरेली ने, मतलब कांग्रेस ने रायबरेली में कुछ नहीं किया, अच्छा विकास किया। बट जैसा हम लोग चेंज करके भी देख सकते हैं, बट जैसा कि रायबरेली एक जाति समीकरण यहाँ बन जाता है, जैसे इस समय समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं तो वो, और इनका गठबंधन है इनसे, तो इस वजह से यहाँ पे जो जाति समीकरण बन जाता है और पार्टियों का गठबंधन की वजह से थोड़ा मुश्किल हो सकती है बीजेपी को। बट चांस हमें देना चाहिए जैसा उन्होंने कहा। बट रायबरेली में ऐसा नहीं कि रायबरेली में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, विकास किया है मैं ये कह सकता हूँ। बाकी छोटे स्तर पर नहीं, मतलब हुआ है। कौन कौन है रायबरेली का आप लोगों में? बाकी केंद्र में मोदी, हिमांशु शुक्ला CS 2nd ईयर। सर रायबरेली में जो भी विकास हुआ सर कांग्रेस ने किया है, बाकी और किसी ने कुछ किया नहीं सर। क्योंकि रायबरेली में FGIT इस बार क्या लग रहा है, राहुल गांधी आए हैं, दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी के प्रत्याशी, सर राहुल गांधी जीतेंगे इसमें? अच्छा, क्यों ऐसा लगता है सर? क्योंकि कांग्रेस किस गढ़ रहा है रायबरेली, क्यों गढ़ रहा है? आपको भी अभी भी गढ़ लगता है, नौजवानों को भी लगता है सर? अभी लगता है कुछ कि हाँ राहुल गांधी कुछ करेंगे रायबरेली के लिए। बट क्योंकि सर अभी कोविड हुआ था तो 2 करोड़ रुपए सोनिया गांधी ने अपने सांसद निधि से जिला अस्पताल के लिए दिए थे, एक मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि रायबरेली के लिए कांग्रेस कुछ कर। सर जैसे कि अभी बोले थे कि 70 साल से इस गवर्नमेंट ने रायबरेली के लिए कुछ नहीं किया है, तो सर ये भी देखना चाहिए सर हमारा जो कॉलेज है, अगर कॉलेज पे ही बात आती है सर, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो सर यहाँ पे एरोनॉटिकल की सीट है सर, लेकिन ये जानते हुए खुशी होगी सर सिर्फ उत्तर प्रदेश सिर्फ 2 जगह एरोनॉटिकल की सीट है, एक कानपुर और एक हमारे रायबरेली में। तो सर इतना है ना कि हमारे यहाँ पॉपुलर, और सर एम्स बनना रायबरेली में सर, कोई और चीज़ सर प्रयागराज में क्यों नहीं बना, इतनी हाईटेक है, और लखनऊ में क्यों नहीं बना, रायबरेली में बना, मतलब सर यहाँ एफर्ट्स हुए और मतलब काम किया गया। लेकिन सर ये थोड़ी ना कि तुरंत तुरंत सब कुछ होता चला जाएगा। पहले तो आपके चीज़ का एम्स जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ये जो कार्यकाल रहा है इनका, इसमें एम्स बने अपने भारत में। और आप कह रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट रोड, अभी ये अमावा रोड जानते हैं आप, अमावा दसौती, अगर आप यहाँ बचपन से रहे हो जानते हो इस रोड की कंडीशन। अभी जो दिनेश प्रताप सिंह, आपको पता है यहाँ के प्रत्याशी, उनका लड़का है ठीक है पीयूष, उनको ठेका मिला था, इस रोड की कंडीशन देखिए जाके ठीक है। अब वो डेवलपमेंट है, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रही है ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रहा है सर। जैसा इन्होंने कहा कि मतलब जैसे मतलब रायबरेली का बताया, मतलब ऐसा नहीं है कि रायबरेली में हुआ नहीं, जैसे IIT IIM वगैरह तो बने ही हैं, जैसा कि और भी इनके कई, मतलब इस बार क्या होने वाला है इलेक्शन में ये बताओ आप लोग। राहुल गांधी हम सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। अब कुछ लोगों की वजह से होते ना, कुछ लोग हैं जो एक, इन्होंने बोला था एक मछली, किसी ने बोला था पानी जल पूरे नदी को खराब करती, उसी तरह यहाँ रायबरेली में कई मछलियाँ हैं जो कोशिश करेंगी पंजा को खिलाने की। हम कोशिश करेंगे कीचड़ में भी कमल खिला ले जाए, कोशिश पूरी करेंगे सर। यहाँ के लिए ये कीचड़ और कमल ये है, यहाँ के लिए कीचड़ और सब जगह यहाँ पर कीचड़ बताए कौन है? कांग्रेस का परिवार कीचड़ है यहाँ के लिए। उन्होंने 70 साल से अपने घर को सुंदर नहीं कर पाए, मैं बता रहा हूँ नहर खुदवाया कांग्रेस ने, उससे अनाज उगा, क्या किया, क्या नहीं करा, नहर खुदवा के उसकी मिट्टी गायब कर दी, गायब कर डाला। इंदिरा गांधी के टाइम में ब्लैक डे हो गया, हाँ बताइए, इमरजेंसी लग गई भारत। अच्छा, आप लोग को चलिए कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया। सेंट्रल में मोदी जी की गवर्नमेंट चाहती है, वहाँ पे मोदी जी जीतेंगे, और यहाँ पर राज्य में योगी जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, पर और सेंट्रल में मोदी जी भी जीतेंगे, बट रायबरेली में हम राहुल गांधी को जिताएंगे। ये रायबरेली का अनोखा टेस्ट समझना मुश्किल है। सर यहाँ जो योगी जी की बात कर रहे हैं वो खुल्ला साठ सबसे बड़ी
समस्या हो गई है जी जी जी, हम गांव क्षेत्र से आते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, उसके लिए कुछ व्यवस्था कराएं, वहां से वो पैसा भेज दे रहे हैं लेकिन यहां पर किसी को बैठाया नहीं है कि वो जानकारी रख के किस गांव में गौशाला बनी हुई है, कहां पे अनाज मिल रहा है, गौवंश मर रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधाएँ नहीं की गई हैं। वहाँ से चिल्लाना बहुत अच्छा है कि मैं गौवंश के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर ज़मीन पर काम होना ज़रूरी है भाई। आज यहाँ पर बोलना ये नहीं है बोलना, आज 75 साल 70 साल मेरे भाई आज सर एक चीज़ कह रहा है, जैसे कह रहे हैं एक डीएम होता है वो भी सोचता है कि हमारे नीचे के जितने अधिकारी उनको हम अच्छे से रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। बहुत से अधिकारी जो घूसखोरी करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, तो उसी प्रकार का ये भी कि मोदी जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ पास करवा रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं लेकिन किसी गांव में डेवलपमेंट हो रहा किसी गांव में नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर निर्भर करता है। प्रधान है उनसे भी नीचे है, नीचे दिक्कत है आपका, नीचे दिक्कत होती है सर। तो मोदी जी का काम बहुत सही है, और हमारे लोकल में देखा जाए रायबली में तो दिनेश प्रताप सिंह है, हम लोग जानते हैं अच्छे से, उन्होंने अच्छा कार्य कराया है, रोडे बन रहे हमारे रायबली में विकास हो रहा है। तो बीजेपी मैं एक अलग बात बोलना चाहूँगा, एक वेबसाइट है myneta.info पे, उसमें मैंने दोनों का चेक किया कि कितने क्रिमिनल केसेस हैं दोनों प्रत्याशियों पे, मतलब राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी पे मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा केसेस हैं क्रिमिनल केसेस, ऐसे दिनेश प्रताप सिंह के ऊपर भी मेरे ख्याल 5 केसेस हैं। मतलब सर हमें हमारे पास चॉइसेस ही बड़ी कम है, हमें ये चूज़ करना पड़ा कि कौन कम वर्स्ट है, कौन सबसे कम खराब है, ये इस बात की चॉइस करनी पड़ी। वरना सर अगर अगर देखिए मेन मोटिव में हम लोग वोट कर रहे हैं, हम लोग मेन मोटिव यही है कि गांधी फैमिली की सीट यहां से हटे, इसलिए हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अगर थोड़ा इक्वल कंपटीशन होता ना तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी जिता देते हैं जो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा होता है या फिर कम केसेस होते हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव था, हमारे यहां की सारे विधायक, जांच लगने वाली थी, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया था, उन्होंने वो एक की बात कर रहे हैं। ये राकेश प्रताप सिंह हमारे हो गए, ये हमारे महाराजी करके एक हमारे अमेठी की विधानसभा विधायक हैं, वो थी, ये भाजपा में आएंगी तो सब साफ। अगर कांग्रेस जो दिनेश प्रताप सिंह की ये बात कर रहे हैं, उनके ये सड़क बनवा दी, वो कहाँ से आए हैं? वो भी उनका भी जड़ जो है मूल कांग्रेस से आए हैं, तो यहाँ का नेता खड़ा होना चाहिए ना, वो भी तो यही करेंगे, रिलाइज नहीं होता। उनको रिलाइज हो गया कि कांग्रेस करप्ट है, इस वजह से बीजेपी में चले गए, करप्टों की सरकार में कोई कब तक रहेगा? मैं बता रहा हूं, बीजेपी 10 साल सरकार रही सर, 10 साल रही, पैसा कमा लिया, अंधाधुन देखे भाजपा सरकार आ गई यहाँ पे, तब देखे जो पैसा मैंने कमा लिया उसको भी तो हमें बचाना है, चलो अब मैं गंगा जल लेके भाजपा में घुस जाता हूँ, कमल पकड़ता हूँ, मैं सबसे अच्छा हो जाऊंगा, दिनेश प्रताप सिंह सबसे अच्छे हो जाएंगे। यही है सर, हमारे हिंदू तो है, गंगा जल को बीच में ला रहे, अरे हिंदू हो मेरे भाई, ब्राह्मण नहीं हो, गाय की बात कर रहे, तो मैं भी ठाकुर ब्राह्मण, तुम बात कर रहे हो ठाकुर ब्राह्मण, बात की गाय की, गाँव गाय को बाहर खोला जा रहा है, खोला जाएगा, 70 साल से जब गायों की हत्या हो रही थी, गायों का बीफ बन के खाया जा रहा था, तब इनकी गवर्नमेंट ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? अब इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले रही है, गांव हमारे यहाँ माता मानी जाती है, उनका अनादर हो रहा है, बहुत सारी कम्युनिटीज है, मैं क्लियरली बोलना नहीं चाहता, आप समझदार है ठीक है, तब कहाँ थी तुम्हारी सरकार? नहीं सर, अरे अनादर ये भाई, पूरे देश में बैन कराए, गांव में बंद कराए, गांव बीफ की बात कर रहे हैं, जो गांव बीफ बेचते हैं वही कंपनी से मोदी जी 250 करोड़ लिए हैं प्रचार के लिए, पूछिए अब कहाँ गए हिंदू बताइए, वो कंपनी पूरा डिटेल देख लिया करो, कंपनी बीफ में मतलब गौ मांस नहीं बेचती, वो कंपनी गौ मांस बहन कि स्टेज में कहने में और फील्ड में उतरने में सर बहुत फर्क होगा, जो फील्ड में उतर के हम लोग साथ मिलके हमारी परेशानी सुनेगा सर, तभी विकास हो पाएगा। आखिरी मैं दो तीन लड़कियां खड़ी उनसे बात कर लेता हूँ, लड़कों से बात बहुत कर ली, जैसे ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं मंदिर गांव गाय और जाने क्या क्या मुद्दे वापस लड़े बड़े जा रहे हैं, लड़कियां भी सोचती हैं? नहीं सर, हम लोग का POV सिर्फ ये है, हमारी एज को देखते हुए और हमारा करियर पर्सपेक्टिव, हमारी आगे की लाइफ को देखते हुए इस पॉइंट पे हम सबके लिए आई डोंट थिंक सो, बाकी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए अदर देन हमारा करियर, तो मेन इंपॉर्टेंट सर यही है हमारा कॉलेज, हमारे गवर्नमेंट को हमारे कॉलेज को लेना चाहिए अपने हाथ में, क्योंकि हमारा कॉलेज अभी तक प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि हमारा कॉलेज डेवलप कर सके। कॉलेज डेवलप होगा तो ऑब्वियसली हम ही से हम डेवलप होंगे, तो हमारा तो पहला मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपना भला पहले देखें, अपना हमारा सेकंड एजुकेशन, हमारा पहला प्रायोरिटी हमारे कॉलेज होनी चाहिए,
जिसपे हमें बात करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है एजुकेशन में अगर अभी सब ज्यादा अच्छा कोई कर रहा तो हम सब बहुत ज्यादा बीजेपी लवर है एकदम है, तो हम तो वही चाहेंगे कि हमारे मोदी जी रहे वही है। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार कोई भी हो सरकार को ये मालूम इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये कॉलेज फिरोज गांधी कॉलेज है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कांग्रेस सरकार को ही काम कराना चाहिए, कोई भी सरकार हो उस सरकार को काम कराना चाहिए क्योंकि यूथ के लिए सब लोग बोल रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, सब लोग यूथ 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 ये गर्ल्स ये सब डाल रहे हैं बट हाँ ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है हम लोग लेके घूम रहे हैं साथ में कि मतलब सबको बताएं कि देखिए कांग्रेस बोलती क्या है करती क्या है दिखाने के लिए। हाँ तो सर मैंने बीजेपी जो बोलती है वो करती है सर काफी कुछ बोलती सर एज हमारे जूनियर ने भी बोला भी जब हमने 70 साल कांग्रेस को दिए तो हम आगे आने वाले 10 साल तो बीजेपी को जरूर दे सकते हैं। और एक अभी जूनियर ने बोला भी कि मतलब एक मुझे माइनस पॉइंट लगता है कि उन्होंने पेंशन को हटाया है, सर मुझे वो भी माइनस पॉइंट नहीं लगता क्योंकि आप अगर उसको एक ओपन माइंड और एक अच्छी सोच के साथ सोचेंगे ना तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने अगर पेंशन हटाई है तो आने वाले जो हम हैं हमारे लिए ऑब्वियसली बात है हम गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे पेंशन नहीं रहेगी, इससे हमको एक बहुत बड़ा सीख अभी से मिलेगी कि हमें आज से इतना केपेबल बनना है कि कल को हमें पेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें इतना पैसा अपने पास इकट्ठा रखना है कि हमें सरकार की ज़रूरत ना पड़े कि हमारे पसंद की सरकार नहीं है अब हम क्या करें पेंशन कम हो गई है, नहीं हमारे पास इतना पैसा है और हम अपने बच्चों को इतना केपेबल बनाएं हमारे भाई बहनों को इतना केपेबल बनाएं कि वो हमारे पेंशन के भरोसे ना बैठे कल को, उनको ये ना हो कि अरे हमारे दादा दादी हमारे नाना नानी की पेंशन आ रही है, उनको ये होना चाहिए कि हमारे हमको मेहनत करनी है हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी है ये होना चाहिए सर पीओवी। लेकिन हम रिटायर होने के बाद भी कुछ करें ये नहीं है कि हम बस पेंशन के सहारे बैठ जाए कि हमारा जॉब खत्म तो हमारे हाथ बंद गए, ऐसा नहीं होना चाहिए हमें तब भी करना चाहिए। सर रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना, सारे एग्जाम्स तो सर लीक करा दिए जाते हैं, चलिए जिसने बहुत मेहनत की हुई है सर उसको भी नौकरी मिली और ओवर एज हो गई थी जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसका भी सर लीक हो गया पेपर, तो सर जब रोजगार ही नहीं मिलेगा मेन मुद्दा तो सर कैसे होगा? रोजगार बड़ा मुद्दा है, वोट पड़ता है उसपे बड़े नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे छाए हुए। तो ये रायबरेली का फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था, यहाँ हमने छात्रों से बात की रायबरेली के बारे में, सरकार के बारे में, काम धाम के बारे में, जो भी उनका पक्ष था उन्होंने रखा, आपने बातचीत सुनी, जैसी मिलेगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, बाकी देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज हैं, शुक्रिया।